हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका दोबारा से आहार एक्सपो के अंदर। तो इस एक्सपो में मैं आपको सभी स्टॉल्स बारी बारी से दिखाऊंगा, ताकि अगर आप नहीं आ पा रहे यहाँ पे, तब भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉल्स में क्या क्या है। तो ये एक हॉल नंबर से लेकर 6 नंबर हॉल तक है। तो ये आप देख रहे हैं हॉल नंबर 1 से 5 तक ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। फॉरन पार्टिसिपेंट्स एंड FII वगैरह, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स, स्पाइस बोर्ड, चॉकलेट प्रोडक्ट, इस तरह से इनमें से जो भी आप इंटरेस्टेड हो तो इस स्टॉल में आप आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ये 6 नंबर हॉल यहाँ पे है, तो 6 नंबर हॉल पे आने के लिए आपको ये बेकरी एंड हैवी मशीनरी इक्विपमेंट, टेंटेज एंड डेकोर, पैकेजिंग, किचन एंड होटल इक्विपमेंट, तो इस तरह की चीज़ें आप सारी देख सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं हॉल नंबर 6 पे, इतना रश नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आइए चलते हैं। तो अब वेलकम आपका हॉल नंबर 6 के अंदर। तो हॉल नंबर 6 में ये हम देख रहे हैं हमारे सिनमेक का स्टॉल है। तो ये आप डिफरेंट पेस्ट्री वगैरह जो बनाते हैं उसके ऊपर जो क्रीम लगती है, तो वो सारी इन मशीन्स के ऊपर वो बनाई जाती है। तो काफ़ी अच्छी SS की मशीन्स हैं यहाँ पे। आपको और अंदर भी आपको मशीनें दिखा देते हैं डिफरेंट टाइप की। ये हमारी ग्रेडिंग मशीन्स है, स्लाइसर है, ये जैसे मशीन स्लाइसर है, इस तरह की आप मशीन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और आप इस लाइन से तो आप देख के आप सारा समझ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो भी फूड में हमारे को जो फूड बिजनेस है उसमें जो मशीनें यूज़ होती हैं वो सारी मशीनें यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिस्प्ले पे हैं। तो प्रीतुल का भी ये स्टॉल है, सारी ये मशीन्स आप देख रहे हैं, जैसे हमारे फार्मा में होते हैं प्लांटरी मिक्सर, उसी तरह से ये मशीन्स हैं, ताकि कोई भी क्रीम टाइप चीज़ें हम बना सकें। और ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ये भी देखिए, ये भी एक टाइप का मिक्सर है। तो मतलब फूड के जो भी आइटम्स आप बनाते हैं तो इस तरह के मिक्सर से आप बना सकते हैं। वहाँ पे आगे फिर आपकी बड़ी पैकिंग मशीन है, आपको अगर कोई, जैसे आपको कोई पैकिंग करनी है बड़े लेज़ वगैरह की, तो यहाँ कन्वेयर बेल्ट से ऊपर आके और इधर पूरी पैकिंग होके ये सारी आगे चली जाती है। आप देख सकते हैं इसको, और भी आपको मशीन दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये प्रीतुल की मशीन्स है यहाँ पे। इसी तरह अभी हम जाएंगे रेगा के स्टॉल पे, अरुण रेगा, तो ये भी देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ज़्यादातर आपको सारे मिक्सिंग टाइप की ही मशीन्स हैं यहाँ पे। ये भी जैसे अच्छी मिक्सिंग की मशीन है। और ये डिफरेंट टाइप की हमारी PLC कुकीज़ डिपॉजिटर, मतलब कुकीज़ के ऊपर आपने कुछ भी डिपॉजिट करना है, कुछ क्रीम वगैरह लगानी है आपने, तो ये सारे मिक्सर्स हो गए सारे यहाँ पे, ये सब मिक्सर ही हैं। और रस्क मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के भी यहाँ पे प्लांट हैं, वो भी लगते हैं। और ये इनक्रस्टिंग मशीन है, देखिए क्या शानदार मशीन है इनक्रस्टिंग के लिए, वो बेकरी बनाने की मशीन है इधर। और अभी हम सामने आ गए हैं, पास्ता मेकिंग मशीन है। हेलो सर, सर आपकी मशीन के बारे में बताएंगे सर कोई? सर हमारी कंपनी है SK इंडस्ट्रीज, नोएडा बेस्ड है। ओके, एंड ये हमारा 200 kg का प्लांट है। दिखाइए जरा एक, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा सर? ये बनाएगा मैक्रोनी पास्ता वर्मिसली। ओके तो क्या ऑपरेशन क्या है इसमें, मतलब कहाँ से डालते हैं हम जो भी फूड? एक्चुअली पूरा प्लांट डिस्प्ले नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ी लाइन होती है। जितना हम अकोमोडेट कर सकते थे उतना यहाँ पे लगाया है। अच्छा, तो बेसिकली मिक्सर होता है, ये सेकंड मिक्सर होता है, वैक्यूम लाइन एक शूट करता है, तो इसमें से डाई चेंज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अच्छी बेहतरीन मशीन है ये, पास्ता वगैरह बनाने की। आप खाते तो हैं पर बनता कैसे, ये आपने देख लिया यहाँ पर। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, बिस्कुट पैकिंग की ये मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हाई पैक इंडिया की ये मशीन है। तो ये जैसे बिस्कुट वगैरह पैकिंग करनी हो आपने, तो इस लाइन पे सारे पैक हो जाते हैं, मतलब यहाँ से आते हैं बिस्कुट सारे, यहाँ से आ गए यहाँ पे, इसके ऊपर ये पॉलीथीन चढ़ जाता है और पैक हो गए आगे निकल जाते हैं। तो इस टाइप की मशीन है, इसी टाइप की डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं इनकी सारी है। पास्ता पैक करना है या रस्क पैक करने, यहाँ पे ये सारे रस्क पैक हो रहे हैं। तो हाई पैक इंडिया की ये मशीन है, आप इसको ले सकते हैं। इसमें आप अपने फार्मा वाले जो लोग हैं, मेडिकल डिवाइस वाले जो लोग हैं, अपनी बैंडेजेस को भी इसके अंदर पैक कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी लग रही है मशीन्स की है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इधर एक प्रिंस पैकेजिंग का है ये भी। तो
तो ये भी हमारी ये पिल्लो पैकिंग मशीन है कि आपने बिस्कुट्स रस्त वगैरह ऐसे पैक करने हैं, तो ये शानदार देखिए एसएस की अच्छी मशीन है। तो इधर से आप दिखाइए ज़रा, इधर से ये ऑटोमेटिक फीडिंग हो रही है, यहाँ से रस्क सारे फीड हो गए इस मशीन के अंदर और ये सारे पैक हो गए और वहाँ पे निकल जाते हैं। तो सारी एसएस की मशीन से यहाँ हम देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि फार्मा के अंदर ही आप एसएस की मशीन लगाएं और अपना अपने फूड के अंदर ही बहुत बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की अपनी एसएस की मशीन्स लगी हुई हैं। तो अच्छा लग रहा है, एक अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बिजनेस किसी ने स्टार्ट करना हो फूड का तो इन मशीनों को देख के वो स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं गुड फाइंड टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉल पे। तो गुड फाइंड पे ये देखिए डिफरेंट टाइप के, जैसे केक्स वगैरह आप डिस्पेंस करते हैं तो ये इस टाइप की ये मशीन्स हैं, तो केक्स वगैरह बनाने के ये काम आते हैं। तो आर इंडिया में इन्होंने दिखा रखी है ये डिफरेंट टाइप की मशीन्स। आइए ज़रा अंदर भी एक लुक डाल देते हैं इनकी, डिफरेंट टाइप की मशीन्स है। वो प्लेनेटरी मिक्सर है वहाँ पर, सारा हमारा ऑटो पैनिंग मशीन है, ये सारी हमारी बेहतरीन देखिए बिस्कुट बनाने की मशीन है सर, ये कुकीज एंड मफिन मेकिंग मशीन। ओके, एंड दिस वन इज आल्सो फॉर मेकिंग द कपकेक एंड बार केक। ओके। और इस मशीन के बारे में बताइए सर, ये किस लिए है? ये भी फिलर ही है? यस, वेरी फिलर। मतलब जो भी हमारे केक्स होते हैं या बिस्कुट्स होते हैं उसके ऊपर कुछ भी फिल करना हुआ तो ये मशीन वो काम को कर देगी। ओके, तो और भी देख लेते हैं। तो ये शुगर ग्राइंडर है, यहाँ पे चीनी पीसनी हो किसी ने, देखिए कितनी शानदार ये मशीन है। तो ऊपर से चीनी डाल के नीचे से इसकी निकल जाती है। फिर ब्रोकन ग्राइंडर, ये ग्राइंडर है मतलब बिस्कुट जो ख़राब हो जाते हैं ना उनको ग्राइंड करके दोबारा से रीप्रोसेस कर देते हैं, उसके लिए मशीन है मतलब बिस्कुट ग्राइंडर। ये प्लेनेटरी मिक्सर है 140 लीटर का एसएस का, ये भी बढ़िया क्वालिटी का है और 160 लीटर। इस टाइप से डिफरेंट टाइप की मशीन्स है आपकी। और ये मशीन्स के देख लीजिए, ये केक डिपॉजिटर है, मतलब केक बनाना है तो उसके लिए ये यहाँ से इसमें मटेरियल डाल दिया और इसमें से डिस्पोज होता रहेगा। सर इस मशीन के बारे में बताएंगे आप, क्या मशीन है ये? ये सर कुकी ड्रॉपर मशीन है, जो बेकरी बिस्किट होता है उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये मिक्सर है हम लोगों का सर, इसमें हम डो मिक्स करते हैं, मैदा घी तेल चीनी जो भी रेसिपी के हिसाब से हम मिक्स करते हैं। Okay. और उसके बाद मिक्स करने के बाद हम बिस्किट जो है उस डो को इसमें डालते हैं। ठीक है सर। ये शेप देने का काम करता है। ओके सर। और शेप देने के बाद इसको हम ट्रे को ट्रॉली में डालेंगे और उसके बाद ओवन में बेक करेंगे सर। आप दिखाइए, ओवन भी दिखाइए आपका। तो भाई साहब यहाँ से बिस्कुट तो इन्होंने बना लिए या केक बना लिए, उसको डालेंगे ओवन के अंदर। तो ये ओवन देखिए यहाँ पे, यहाँ से दिखाइए और इसमें हम बेक करेंगे सर। कितने डिग्री पे बेक करते हैं इसको सर? बिस्किट का अलग अलग टेम्परेचर होता है, जैसे मिनिमम सर 180 डिग्री पे हम लोग बेक करते हैं। अच्छा जी, और टाइम 17 से 18 मिनट लगता है सर। ओके सर, तो ये वाली मशीन कौन सी है सर आपकी? सेंटर फिलिंग सर। सेंटर फिलिंग, हाँ सर, जो बिस्किट के अंदर चॉकलेट भर के हम लोग बनाते हैं वो वाली है मशीन सर। तो कैसे भरी जाती है सर, थोड़ी क्या टेक्नोलॉजी इसमें? चॉकलेट इसमें डालते हैं सर। हाँ जी। और बिस्किट का डो इसमें डालते हैं। हाँ जी। और उसके बाद सर यहाँ से चॉकलेट आता है। हाँ जी। और बीच में फील्ड होता है। ओके, फिर ये बंद कैसे होता है सर? ये सर ओके, कटर लगा हुआ है जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। तो यहाँ पे आप सारे देख रहे हैं बेकरी से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ब्रेड बेकिंग पैन्स वगैरह यहाँ पे, जैसे पैन होते हैं ना बेकरी आपने करनी है बेकरी में किसी शेप के आपको डालने हैं, तो ये सारे मोल्ड्स बन के ये सारे यहाँ पे डले हुए हैं। तो इसके अंदर डाल के फिर इसको आगे हम बेक कर देते हैं। काफ़ी हैवी है ये, दिखने में प्लास्टिक का लग रहा है। किस मटेरियल का है ये भैया? ये मुझे भी नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम, कोई बात नहीं। तो ये हो सकता है लोहे का हो, ये तो काफ़ी हैवी है। और ये भी इधर फ्लोर रैपर मशीन सामने लगी हुई है, मतलब बैंडेज को भी पैक कर सकते हैं, बिस्कुट को भी पैक कर सकते हैं, ब्रेड को भी पैक कर सकते हैं, केक को पैक कर सकते हैं इस टाइप से। और अभी और आगे चलते हैं हम इधर, ये भी सारा हमारा प्लेनेटरी मिक्सर है, तो वही पकड़ने के लिए हैंडल भी लगाया हुआ है, ऐसे निकाल के और ऐसे देख लो इसके अंदर क्या स्टेटस है, कैसे है, वापस ढक दो। अच्छा है ये,
इससे आइडिया लेना चाहिए। और यही डिफरेंट टाइप के प्लांटरी मिक्सर्स यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर, आप बताएंगे कुछ इस मशीन के बारे में, ये कौन सी मशीन है आपकी? एक्सट्रूडर मशीन है सर। एक्सट्रूडर मशीन? हाँ जी, है। हैंडमेड वाला बिस्किट है, डो यहाँ पे डलेगा। तो यहाँ पे, अच्छा सामने आइए। हाँ जी, कैमरे के सामने आइए। डो यहाँ पे डाल दिए, डो यहाँ पे डाल दिए, यहाँ से फील होगा। ये देखिए यहाँ भी एक्सट्रूजन निकल रहा है। हाँ, जैसे हमारे साबुन निकलते हैं। हाँ, ना, साबुन का भी सेम। यहाँ पे आप पॉलिश कर सकते हो कोई सा लिक्विड से। ओके ओके। उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो ये ड्राई फ्रूट यहाँ फिलिंग कर सकते हो आप। ड्राई फ्रूट फिलिंग करने के बाद ये प्रेस कर सकते हो। ये डिजाइनिंग के लिए होता है। फिर दूसरा कटर से कटिंग होगा। ये देखिए डिजाइन हो गया, आ गया, डिजाइनिंग हो गया। हाँ जी, हाँ जी, सामने आ गया, ये डिजाइन हो गया। उसके बाद आगे जाके फाइनल प्रोसेस खत्म हो जाता है। ये फाइनल प्रोसेस हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ओवन में लगाएंगे। ओवन सामने, ओवन ये सामने है जी। जैसे आपका ड्रायर होता है इसी तरह ये ओवन है जी हमारा। तो यहाँ पे ओवन के अंदर सारा सामान लगा हुआ है। इधर से दिखा दो जरा, इसमें आप आ सकते हैं। अच्छा जी, इसमें डायरेक्ट ट्रे चला जाएगा। अच्छा अच्छा, उसके बाद पक्के बाहर आ जाएगा। ओके, कितना टाइम लगता है ओवन होने में इसको? 15 से 16 मिनट। अच्छा, वन टाइम। ओके ओके ओके। तो ये भी अच्छी मशीन है। उन मशीन्स के बारे में बताएंगे कुछ आप, क्या क्या मशीन है? तो चलिए और मशीनें देखते हैं इनकी। तो ये एम्पायर मशीन। हेलो सर, इन मशीन के बारे में बताएंगे सर, किस चीज़ के लिए काम आती है मशीन? वी आर इनटू बेकरी मशीन्स बेसिकली। ये जो मशीन है ये ऑल इन वन मशीन है। ये इंडिया की वेरी फर्स्ट विच इज़ पेटेंट मॉडल। इसमें सेंटर फिल्ड कुकीज़ कर सकते हैं, जैसे लाइक डार्क फैंटेसी के चॉकलेट फिल्ड आते हैं, कुछ भी आप इसमें बेक सेवल चॉकलेट, लिक्विड चॉकलेट, लिक्विड जैम, आप इसमें सेंटर फिलिंग कर सकते हैं। और ये मशीन ऑल इन वन है। इसमें सेंटर फिल्ड कुकीज़ प्लस नॉर्मल कुकीज़ प्लस कपकेक इंजेक्ट भी कर सकते हैं। okay. ड्राई केक से मोल्ड, ये ऑल इन वन है बेसिकली। okay. और ये वाली मशीन सर? दिस वन इज कॉम्बो केक इंजेक्टर। ये कॉम्बो केक इंजेक्टर, इसमें कपकेक्स बना सकते हैं, कपकेक इंजेक्ट कर सकते हैं। इसमें लेयरिंग की भी ऑप्शन है। लेयरिंग से क्या होता है, आप सारे लंबे जो केक के सांचे वो भी ऑटोमेटिकली इजीली भर सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट मशीन सर, ये भी सेम ऐसी लग रही है ये मशीन भी? ये इंडिया की पहली डबल कलर केक मशीन है। दैट इज़ इसमें बेसिकली यू कैन डू, मतलब अलग अलग कलर्स के आप डिफरेंट कप केक्स, मार्बल केक्स या कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं, जो कि इंडिया में अभी तक पॉसिबल नहीं था। तो आपकी यूनिट कहाँ पे है सर? हमारा यूनिट सर, हमारा यूनिट जो है सानेवाल में है। आप गूगल के ऊपर एम्पायर बेकरी मशीन प्रॉब्लम करेंगे, सारा लिस्टिंग उसके ऊपर है। ये हमारी कुकी मशीन है, विच इज़ द स्पेशलिटी ऑफ अवर कंपनी, जहाँ से हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी। बेसिकली इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, मेंटेनेंस फ्री है, डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा है। विद वन नोजल यू कैन डू अनलिमिटेड डिज़ाइंस। सो अगेन वेरी इजी टू ऑपरेट, जस्ट क्लिक एंड एंटर, दैट्स इट, आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ग्रामेज ये 12 ग्राम्स के अराउंड है, आपको 8 ग्राम्स के अराउंड करना है, 5 ग्राम्स, 3 ग्राम्स, 2 ग्राम्स। सो ओके, वेरी नाइस। विद अवर मशीन्स लोग आधे आधे ग्राम के कुकीज़ कर रहे हैं, मतलब जो कभी भी किसी ने अचीव ही नहीं किया था, हमने वो लेवल अचीव किया है। सुपर सुपर। देन वी हैव HD मशीन्स। HD स्टैंड्स फॉर हैवी ड्यूटी, मतलब दीज आर द फास्टेस्ट मशीन्स, जो कैसे इंडिया की फास्टेस्ट मशीन्स हैं। खाली करो बेटा। तो देखिए भाई साहब, ये बिस्कुट कैसे बनते हैं, देखिए स्पेशल मशीन्स हैं सर की। और डबल है, बीच में क्रीम भी भरी हुई है क्या आपने इसके अंदर? वो फर्स्ट मशीन थी। ये सेम मशीन है, बट इसमें क्या है कि इसमें प्रोडक्टिविटी बेटर है, इसमें स्पीड ज़्यादा बेटर है। विद सिंगल मशीन, मतलब अप टू 300 केजीज पर आवर तक का आप कुकीज़ बना सकते हैं, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट मशीन है इसमें। वेरी गुड सर, नाइस मशीन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखिए काफ़ी अच्छी जानकारी मिली यहाँ पे, बिस्कुट कैसे बनाए जाते हैं। तो ये अभी दोबारा आ गए हम मार्क इंडस्ट्रीज़ के स्टॉल पे। तो ये भी स्टॉल हमारा सारा बेकिंग करने के लिए है, हमारी ट्रेज है बेकिंग की। तो देख लेते हैं यहाँ पे, और हमारे डिफरेंट टाइप के मिक्सर्स, ये मिक्सर्स रखे हुए हैं हमारे वही बनाने के लिए। आप इधर से ही हैं सर? सर इस मशीन के बारे में बताएंगे, ये किस चीज़ की मशीन है? दिस वन इज़ डाउ शीटर। ये खारी और क्रीम रोल वगैरह के में बेकरियों में काम आता है ये। ओके
क्या काम करता है सर? शीट शीट बनाने का काम आता है, जो बेलते हैं ना हम हाथ से बेलते हैं, ये उसकी मशीन है, शीट बनाने का काम आता है, डाव शीटर है ये। ओके, तो कहाँ पे डालेंगे डाव, कहाँ पे डालेंगे हम डाव? यहाँ पे डालता है ना, यहाँ पे ये आगे पीछे रिवर्स फॉरवर्ड होता है। ओके ओके, रिवर्स फॉरवर्ड होता है ये, इससे तो इधर निकल जाता है फिर? हाँ, आगे पीछे होके होता है। ओके, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता है। राइट सर, राइट सर। एंड दिस मशीन? दिस वन इज डेक वन, जो हम माल बेक करते हैं उसके लिए ओवन है, माल पकाने का काम करता है। जो बेकरी में काम हम करते हैं ना, जैसे ब्रेड बनाना है, टोस्ट बनाना है, केक बनाना है, पकाने का काम करता है, ओवन है ये। ओके, बेहतरीन मशीन लग रही है, काफ़ी अच्छी। ओके सर, एंड दिस वन सर, दिस इज स्लाइसर है, स्लाइस करने का काम आता है, ये ब्रेड स्लाइसर है। तो ब्रेड कहाँ पे डालेंगे इसके अंदर? पीछे से, यहाँ से, बैक साइड से। ओके, यहाँ से ब्रेड डालेंगे, यहाँ स्लाइस होके यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये मिनी मशीन है एक तरह से? हाँ, ये टेबल टॉप है, छोटी बेकरियों में लगता है। ओके, जो छोटा स्मॉल सेटअप करते हैं वो ये लेते हैं। और ये ओवन हो गया आपका? ये कन्वेक्शन ओवन है हमारा, पाइप ट्रे का। ओके सर, कन्वेक्शन क्या होता है सर? कन्वेक्शन ओवन, जैसे डेक ओवन में क्या होता है, एक साइड पे माल रख के पकाया जाता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, ब्लोअर लगे रहती है हवा को सर्कुलेट करने के लिए, तो उसे कन्वेक्शन ओवन कहा जाता है। ओके सर, ओके सर। और ये मशीन आपकी सर? ये फ्लावर शिफ्टर है हमारा, फ्लावर शिफ्टर, मतलब मैदा छानने के लिए, मैदा छानने के लिए। कहाँ पे डालेंगे मैदा इसे? ये यहाँ से मैदा, यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ से आउटपुट होगा आपका साफ मैदा। यहाँ पे कचड़ा यहाँ पे हो जाएगा स्टोर, पिक कर लेगी मशीन। हाँ, सक कर लेती है, मोटर यहाँ पे लगी है। ओके ओके, ये सक कर लेती है। दिखाएंगे मशीन आपकी? ये डाउन ईडर है हमारा, डाउन ईडर, मतलब आटा गूंथने की मशीन, ब्रेड और टोस्ट के लिए, आटा गूंथने के लिए डाउन ईडर है ये। ओके ओके, तो ये भी कितने केजी की है ये मशीन? ये इस पे एक बार में 80 केजी डाउ चला, फ्लावर चला जाएगा। ओके, ये डिवाइडर है हमारा, डाउ डिवाइडर, राउंडर, मोल्डर। जो बेकरियों में डाउ डिवाइड करते हैं ना, जैसे 200 ग्राम का ब्रेड बनाते हैं तो पेड़ा डिवाइड करते हैं, जो टोटल डाउ होता है उसमें से पेड़ा डिवाइड करते हैं वो, तो ये डिवाइड करने का काम करता है। ओके, बहुत सारी बेकरियों में मैनुअल काम होता है, ये उसकी ऑटोमेशन की लाइन है, मेकअप लाइन कहा जाता है। उसके बाद ये राउंड होता है, फिर ये पिचाई होती है, हाथ से पिचाई पेचना बेलना पड़ता है, तो फिर पिचाई करके देता है, तो उसे मोल्डर कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। ओके ओके, ठीक है, कंप्लीट बेकरी का सेटअप है हमारा। ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू। हर साल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है जी, बढ़िया है, आते हैं हम हर साल। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं यहाँ पे यूआर मीडिया पब्लिकेशंस के स्टॉल पे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सारी बुक्स भी हैं इससे रिलेटेड, जिसमें सारी आपको मशीन्स कौन सी लेनी है, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये सारा देख सकते हो। इनके पास कुछ अपनी कॉम्पैक्ट डिस्क भी है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप डाटा द्वारा जो भी डाटा चाहिए, अभी आपको मशीन मैन्युफैक्चर चाहिए, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर चाहिए, पैकिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर चाहिए, वो सारी इनके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सर। सामने हम जा रहे हैं, एक मिनट, ये सामने आप देखिए, ये आपकी पैकिंग हो रही है। हेलो, क्या चल रहा है मैडम यहाँ पे, क्या पैक कर रहे हैं आप लोग? पाउच पैकिंग मशीन है, पाउच पैकिंग मशीन, आपका पैकिंग। कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, ग्रैनुलर लिक्विड या फिर पाउडर फॉर्म में, ये बेसिकली उसको पैक करने के काम आती है। क्या कैपेसिटी है, क्या आरपीएम है इसका जी, कितने कर दे? 100 ग्राम से 1 केजी तक आप इस मशीन में पैक कर सकते हैं, बस आपके प्रीफॉर्म पाउचेस होने चाहिए, स्टैंडिंग पाउच। ओके, थैंक यू मैडम। तो ये भी अच्छी मशीन थी पैकिंग की, अभी और आगे चलते हैं हम लोग। तो ये भी एक पैकिंग मशीन है इसी टाइप की, तो यहाँ ऊपर से अपना जो भी माल डाल देते हैं और इधर से रोल वगैरह लगा देते हैं, और ये पाउच कट के नीचे हमारे पाउच इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, अगर आपको ये मशीन चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। और ये हमारे डिफरेंट टाइप के, जैसे रेफ्रिजरेटरी ट्रक्स हैं, या अपने रैक्स हैं, या चिल्लर्स हैं, फ्रीजर्स हैं, कोल्ड रूम्स हैं, स्टोरेज सॉल्यूशंस है, तो इस तरह से ये सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं ये चीज़ें। और अब यहाँ भी हमारे सारे ये चिलिंग की सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये भी देखिए सारे चिलर दिए हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज आपने करनी है डिफरेंट टाइप की, तो ये सारी। आप थोड़ी मेरे से आगे रहो दीपक। तो ये भी सारे क्लाइमेट कंट्रोल के, ये रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट आप देख सकते हैं इधर। और कोल्ड का हो गया, और अब के बाद अब और आगे चलते हैं।
इधर से रेस्ट चेयर्स वगैरह हैं, किसी ने रेस्ट करना हो इधर वो कर सकते हैं। बाकी और भी एक्सपो यहाँ पे होने वाली हैं तो उसके भी स्टॉल यहाँ पे लगा रखे हैं कि कौन कौन से अब नए स्टॉल ये लोग लगाने जा रहे हैं, कोई नई एक्सपो करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम आ गए हैं सोहल इंजीनियरिंग के स्टॉल पे, तो ये भी स्मॉल के एक बार स्लाइसिंग मशीन, तो इस तरह की ये स्लाइसिंग हो रही है छोटे आप बना रहे हैं यहाँ पे, और प्लेंट्री मिक्सर्स भी यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं। अभी हम चलते हैं इधर हिल्टन हिल्दा ऑटोमेशन के स्टॉल पे, तो इनसे इनकी मशीन की जानकारी लेते हैं। हेलो सर। यस हेलो सर, बोलिए सर। आपकी पकड़ेंगे इसको आप? yes. अपनी मशीन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या चीज़ है सर ये? बेसिकली जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसको पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस है। तो कैसे है, मैनुअली लोग बहुत सारे पैकेजिंग करते हैं तो उसमें इफिशियंसी एंड पावर आउटपुट नहीं मिलता है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज के डेट में वैल्यूएशन है टाइम एंड प्रोडक्टिविटी। तो ऑटोमेशन में मीनिंग क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट जो फिल करना है, उसको लेबलिंग करना है, जो पैकेजिंग करना है, उसको इफिशियंसी बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन आता है सर। तो ये क्या करते हैं सर? ये जो मशीन है सर, ये स्लीव अप्लाई करने का है। हाँ, कहाँ लगाएंगे आप इसके अंदर? ये देखिए, एक नॉर्मल स्लीव जो है ये कट फॉइल में आता है, तो आदमी हाथ से डालता है, तो आदमी हाथ से डाल के टनल से पास करेगा तो उसको टाइम जाता है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली कट करके उसके ऊपर स्लीव पोजिशनिंग कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट की ये हुआ, तो बेसिकली ये सेकेंड मशीन है, ये स्टिकर का ही है, लेबलिंग का है। लेबल में दो डिफरेंस है, वो स्लीव वाला है, तो ये एडेसिव वाला है। कोई भी प्रोडक्ट को अपना ब्रांडिंग करने के लिए ये मशीन ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है। ठीक है, टू साइड लेबल। हाँ, टू साइड लेबलिंग मशीन है ये, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की लेबलिंग। ये है ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, ये सर्वो बेस्ड फिलर है, सर्वो बेस्ड ऑटोमेटिक फिलिंग। तो आपका जो भी लीनियर प्रोडक्ट आएगा, ये ऑली लिक्विड, इसमें आप केचप वगैरह, ऑयल वगैरह सब प्रोडक्ट इसमें फिल कर सकते हो। ओके सर, तो आपकी कंपनी कहाँ पे बेस्ड है सर? ये कंपनी सर हमारी मुंबई बेस्ड है, महाराष्ट्र से है हम लोग। और टोटल पैकेजिंग आप देख सकते हो, मेरे जो कस्टमर है इंडिया के टॉपेस्ट एंड आउट ऑफ इंटरनेशनल जो भी है, वो भी हम लोग सप्लाई करते हैं सर। गुड सर, क्वालिटी मशीन। थैंक यू सर। तो ब्रदर, ये हिल्दा का हमने देख लिया, अच्छी मशीन्स लगे इनके भी। और ये गोदान मसाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, तो मसाले वगैरह यहाँ मिल जाते हैं, आप ले सकते हो वैसा लेने हो तो। और अब ये सारी प्रिंटिंग की मशीन्स हैं सारी हमारी यहाँ पे, डिफरेंट टाइम ऑफ प्रिंटिंग मशीन, बैच कोडिंग अगर आपने करनी है तो ये एडवांस इंडस्ट्री माइक्रो सिस्टम्स ये स्टॉल है, आप इनसे ले सकते हैं। इसी प्रकार से अब हमारे ये, और ये एक और बड़ी अच्छी मशीन यहाँ पे डिस्प्ले पे है। अब एक आधी मशीन का नाम चेक करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे वेजिटेबल फ्रूट प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, तो इस बारे में थोड़ी बात करेंगे इन कंपनी वालों से। कोई फ्री है आपने से बात करने के लिए? थोड़ा आपके मशीन्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्या प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले पे किए हैं, ये क्या मशीन है? वहाँ खड़े हैं, आइए। आप इसको होल्ड कर लीजिए, उनके पास करके बात कीजिए। So basically my company name is Natural Storage Solution Private Limited and we are Gujarat Ahmedabad based company. So basically we are into frozen food machine manufacturing since last 25 years, and we are manufacturing frozen french fries line, complete project on turnkey basis. So on the back side you can see this is the complete processing line. So the you can feed the raw potato here and you will get the finished product french fries here. So this is the complete processing line. So you can feed the potatoes here. So it will goes into the dish toner. We will remove the stones and muds from here. After that it is going into the washer. Again we will wash it continuously. Then through elevator it is going into the peeler. So this is a very specific peeler. It's a steam peeler. So with the help of steam we will remove the skin of the potatoes, and the peeled potato is going into the brush. So after okay, that sir, some brushes are there. We said that all process inspection, hydro cutter, blanching, drying, frying, tunnel freezer. Yes. And after so that, you will
pack it with freezing? Yes, we can offer the complete project on turnkey basis from raw potato to packet. Okay, and what is this machine? This is also a vibratory shaker which is used for frozen food. So we give this bubble sheet on the shaker, so it will allow to easily flow the product. The sticky product will not stick on the skin. And what is that machine, sir? This is basically sliver remover, which will use to short, which will remove the small particles from the French fries. And that machine? That machine is basically a potato peeler. Okay. It's an abrasive peeler. We will use to peel the potatoes, outer skin of the potatoes. Okay, okay. So this machine will be part of that chart? Yes, yes. This all three machine is the part of French fries line. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Nice machines. Thank you. तो ब्रदर देखा आपने फ्रेंच फ्राई बनाने की मशीन्स, तो इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गुजरात की मशीनें अच्छी रहती हैं वैसे हमेशा। और एक और आप देख सकते हैं सामने, वही अपने बिस्कुट के ऊपर क्रीम वगैरह लगाने हो या और बिस्कुट्स वगैरह की जो भी मशीन्स है वो सारी यहाँ पे सब डिस्प्ले पे हैं। आइए अब चलते जाते हैं, ऐसे ही देखते जाते हैं। तो बिस्कुट की ये सारी हो गई हैं, सारी बेसिकली बिस्कुट की, बेकरी की, इस टाइप की सारी मशीन्स यहाँ पे सब डिस्प्ले पे हैं। तो ऐसे आगे आगे चल के देख लेते हैं सारे स्टॉल्स को। देखिए सर्विंग के लिए ये सारी मशीन्स हैं, आपने क्या सर्व करना है इधर है? एक साइड सिर्फ एक साइड चलेंगे। तो ये अपनी कटलरी वगैरह है, तो कटलरी की सारी अच्छी बेहतरीन यहाँ पर सारे दिखा रखे हैं। और यहाँ पे कारपेट पाउडर, एयर फ्रेशनर, फ्रेग्रेंसेस, डिफ्यूज़र्स, तो ये भी अच्छे ठीक है हमारे डलते हैं हम फूड आइटम्स में, तो ले सकते हैं। ये भी फूड की अपने जैसे कैसेरोल, ग्लासेस वगैरह, ये कॉफ़ी डिस्पेंसर्स वगैरह, ये सारे हैं इधर मशीन डिस्प्ले पे। और भी वेजिटेबल कटिंग मशीन्स हैं, लीफी वेजिटेबल कटिंग मशीन, तो डिफरेंट टाइप की ये वेजिटेबल्स की मशीन्स हैं सारी यहाँ डिस्प्ले पे। और डिज़ाइनिंग और ये प्रिंटिंग सॉल्यूशंस वगैरह है, ये ले सकते हैं आप इधर। इसके अलावा ये कोई बस एक साइड करके चलते हैं, तो ये और इधर रेफ्रिजरेंट्स की मशीन है, आर्कटिक रेफ्रिजरेंट्स। और ये सारे शो के लिए गिफ्ट पैक वगैरह आपने देना है तो इस तरह की है, तो ये भी गिफ्ट पैकिंग के लिए है, अगर गिफ्ट पैक आप देना चाहते हैं तो। और ये सारी लाइन ही लग रहा है कि सारी गिफ्ट पैक की लाइन है इधर। ये भी आगे भी सारे गिफ्ट पैक के ही ये स्टॉल्स हैं। आजिए इधर, आजिए अभी इधर चलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के ओवंस वगैरह आपको दिखाई दे जाएंगे इधर। और ये आगे नात्रा के ये भी सारे एक्सट्रूडर हैं, कुछ छानने की मशीनें हैं, तो दिखा दीजिए इधर अपने ये आइस। हेलो सर, सर कैन यू टेल मी समथिंग व्हाट यू हैव डिस्प्लेड ओवर हियर? क्या मशीन है आपकी? जरिए वी आर मैन्युफैक्चरिंग आइस क्यूब मेकिंग मशीन। तो ये आइस क्यूब बनाने की मशीन है, डिस्प्ले पे हैं। सर कितना टाइम लगता है आइस क्यूब बनने में इस मशीन में? सर 20 to 20 minutes एवरी डिस्पैच। तो 20-25 मिनट में बन जाती है आइस? 20-22 मिनट में आइस बन जाती है। बहुत अच्छा सर, कहाँ पे आपकी कंपनी? हमारी कंपनी भिवाड़ी राजस्थान में है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग लास्ट 35 years इंडियन मेक ब्रांड। ओके सर, थैंक यू, गुड मशीन, ऑल द बेस्ट। तो भाई साहब ये आइस बनाने की मशीन, जो आइस क्यूब्स वगैरह आप यूज़ करते हैं उसकी ये बनाने की मशीन है। तो कहते हैं 20-22 मिनट में बन जाता है। तो कैन बस एक नीचे रखो, आप ऊपर मत करो। तो जी ये भी कुछ अब ये जी ये गारमेंट्स हैं जी। तो अभी होटल में आपने क्या कपड़े पहनने हैं और किस तरह का आपको वो रखना है, इधर ये टंबल ड्रायर है अभी लॉन्ड्री के लिए, जैसे आपने होटल में कपड़े धोने हैं या कहीं भी कपड़े धोने हैं, फैक्ट्री में धोने, तो ये टंबल ड्रायर आप यहाँ पे ले सकते हैं इस कंपनी से। और इसके अलावा ये और इंडस्ट्रियल टाइप की ये हैं मशीन्स, आपको आपने मिक्सिंग करनी है तो मिक्सिंग के लिए बड़े बड़े मिक्सर रखे हुए हैं यहाँ पे। इमर्शन ब्लेंडर्स हैं, मतलब ये बड़े ब्लेंडर्स हैं, इंडस्ट्रियल टाइप ब्लेंडर्स हैं, घर में भी आप ब्लेंडर यूज़ करते हैं।
और ये अपनी चॉपिंग मशीन्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये हॉल नंबर 6 में ये सारी मशीन्स हैं, आप दिखा सकते हो इधर की मशीन्स भी। इधर कवर करते हुए हम चलेंगे इधर सारा। हाँ, तो ये एस टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉल हैं, सॉफ्ट सेंसेशंस प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल है। यहाँ पे अच्छी कटलरी, ये सारे चम्मच गिलास वगैरह सब डिस्प्ले पे हैं यहाँ पे, और वाइन ग्लास भी हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा हॉल नंबर 6। अब हम चलते हैं हॉल नंबर 1 से 5 की तरफ, आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे तो हाइपर प्योर का ये स्टॉल है, कोई जोमेटो से कोई रिलेटेड है तो देख लीजिए अगर आपको इनका कोई इंटरेस्ट लगता है। इधर अमूल का स्टॉल है सामने, तो अमूल के प्रोडक्ट सारे डिस्प्ले पे यहाँ पे लगा रखे हैं। बारी बारी से दिखाते हैं हम आपको ये सारे, और अमूल चीज़ वगैरह। फिर इसके आगे अपना टाटा के भी स्टॉल है, टाटा चाय वगैरह, मतलब टाटा टेटले, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा पास से देखो, तो थोड़ा यहाँ पे टाटा गोफिट वुमेन, तो इस तरह से ये इधर के सारे स्टॉल्स पे सारे ये टाटा संपन्न क्लासिक। फिर आगे हम आ गए हैं दावत के स्टॉल पे, तो दावत बासमती राइस वाले यहाँ पे हैं, तो उनको देख सकते हैं आप। और फिर ये प्राग दूध वगैरह आ गया इधर, तो घी, प्राग, रसगुल्ले, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लोगों को खिला भी रहे हैं यहाँ पे, ये सब तो बढ़िया है। फिर इसके आगे गोपाल स्वीट्स, थोड़ा पास, तो गोपाल स्वीट्स का ये स्टॉल है यहाँ पे, तो गोपाल के भी अच्छे हैं, स्नैक्स वगैरह हैं, इनके होटल्स वगैरह भी हैं, देख सकते हैं आप ये। उसके बाद चक दे अच्छा नाम है, नाम बढ़िया है चक दे, तो ये चक दे के स्टॉल पे अपने इनके प्रोडक्ट्स हैं सारे, ये आप ले सकते हैं। आगे फिर ये जूस वगैरह का कोई स्टॉल है, ये सारा जूस यहाँ पे, मोन का स्टॉल है, तो अच्छी प्रेजेंटेशन लग रही है इनकी यहाँ पे मोन की। तो वी आर हैप्पी टू सी पीपल डूइंग बिजनेस, अच्छी ग्रो करें हम चाहते हैं ये, खूब इनका बिजनेस चले अच्छा। और हरियाणा का स्टॉल आ गया, और मनोहर लाल जी खट्टर जी की फ़ोटो यहाँ पे लगा रखी है, बढ़िया है। हरियाणा काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर, ये हैफेड के सारे डिस्प्ले पे हैं स्टॉल, हैफेड कच्ची घानी तेल, ठीक है। अगर क्रेमी का ये बिस्कुट का स्टॉल है जी यहाँ पे, बिस्कुट वगैरह सारे मिलते हैं इधर, तो वो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो बेसिकली माड़ी अपनी मार्केट प्रेजेंस करने के लिए ये सारे स्टॉल्स यहाँ पे सब लोग लगाते हैं। बेकर्स विले का स्टॉल हो गया जी यहाँ पे, और अंग्रेज भी आए हुए हैं खाना बनाने यहाँ पे, देखिए ये विजोन का कोई स्टॉल है ये हमारा, ठीक है। पूरा टोज ये सारे केक वगैरह सब यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं, शूटिंग छोड़ के हमारा दिल करा कुछ केक वगैरह ही खाए जाएं, तो सब जगह यहाँ पे फ्री में सबको टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो आइए आप देखिए इनके प्रोडक्ट को, एंजॉय कीजिए, और फिर इनके आप ग्राहक बन जाएंगे धीरे धीरे, इसी के लिए तो स्टॉल लगाए जाते हैं। एपिडा सीरियल प्रोडक्ट्स, तो ये एपिडा के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, सरफेस थोड़ा अनइवन है, नीचे कहीं कहीं ठोकर लग रही है, और ये सीरियल प्रोडक्ट्स दोबारा से यहाँ पे दिखा रखे हैं। एपिडा जरूर ये कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी। फिर आगे कराची बेकरी आ गया आगे, तो फेमस कराची बिस्कुट, तो बिस्कुट ये कराची के ही भाई साहब, हैदराबाद में इनका हेड ऑफिस है वैसे, तो काफ़ी ब्रांचेज हैं इनके, तो अच्छे हैं ये भी। जसमेर, ये बासमती राइस वगैरह हैं, तो हरियाणा के भी हैं इसके अंदर, तो अच्छे लग रहे हैं ये भी। इसके अलावा ये एपिडा QSR FMCG ये प्रोडक्ट हैं इनके, हाँ चलते रहो देख रहे हैं। और फिर ये हांडी, आप नीचे ही रखो, ऊपर मत ले जाओ, नीचे हांडी मिल्डन है। उसके बाद लोएका के स्टॉल पे आ गए हम लोग, तो इनकी मिठाई वगैरह इधर, आशाराम एंड सन्स पे स्टॉल पे अभी हम आ रहे हैं इधर।
तो सुपर हीरो इन द मार्केट, सस्ता है ये, सही है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके आगे, बेरी बेरी काले बॉट, तो ये भी सारे पेस्ट्री के आइटम्स हैं इनके, तो देख सकते हैं आप। यहाँ पे आगे कैमको का स्टॉल आ गया है, कैमको में सारी टॉफ़ी टॉफ़ी चॉकलेट कैंडीज़ इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। और अमर बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड, अमर बिस्कुट्स का स्टॉल आ गया ये, तो बिस्कुट वगैरह सारे यहाँ भी आप खरीद के ले जा सकते हो, घर के लिए भी अपने आओ देखो खरीदो या इनके डीलर बनो। तो ये आशा कॉन्फेक्शनरी हो गया, आगे पनगढ़ का स्टॉल है, तो काफ़ी खाने पीने का काफ़ी माल है यहाँ पे, मतलब एक दिन यहाँ आ जाओ सेहत बन जाएगी ऐसा लग रहा है हमारे को। तो अभी और आगे हम चलते हैं आगे, आशा कॉन्फेक्शनरी, आशा कॉन्फेक्शनरी। तो देखिए भाई साहब फार्मा ही नहीं, तो इसमें भी लाइन में बहुत स्कोप है आपका, फूड के अंदर आप थोड़ा एक्सप्लोर करो। तो ये सारा माई फ्रूट का ये स्टॉल है इनका, माई फ्रूट का, इसके बाद टू लव, टू लव के ये भी सारे, देखिए कईयों के नाम आपने नहीं सुने लेकिन इन्होंने क्वालिटी अच्छी अपनी बनाई हुई है और अच्छे डिस्प्ले कर रखे हैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स अपने इन लोगों ने, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएंगे। यहाँ पे आएंगे देखेंगे क्या क्या ये लोग बना रहे हैं बच्चों के लिए, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे सेल की जाए प्रोडक्ट्स की ज़्यादा, तो ये देख के आपको आइडिया लगता है। फिर चॉकलेट पेस्ट्री, और ये होपिन का स्टॉल है, तो इनके भी बेहतरीन प्रोडक्ट लग रहे हैं सारे। और आगे देखिए आप, अब हम और आगे आ गए हैं मामा लोग का, इस साइड के स्टॉल कवर करें दीपक, इस साइड के, हाँ ठीक है, थोड़ा इसको घुमा सकते हो आप, तो ये मामा लोका का स्टॉल थोड़ी स्लो, हाँ। और ये कैंडी, ये कैंडी की सारी यहाँ पे शॉप्स हैं, मतलब के स्टॉल्स हैं यहाँ पे कैंडी के। और भाव आनंद, भाव आनंद के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं हमारे को यहाँ पे। और फिर ये अपना अनार ब्रियो, जैसे आप और भी कंपनीज का भी, बड़ी कंपनी का आता है ये प्रोडक्ट, इनका भी अच्छा लग रहा है। फिर आर एंड डी इंजीनियर्स, तो ये अपने डिफरेंट टाइप के कॉन्स वगैरह के लिए ऑटोमेटिक वेफर बेकिंग मशीन है, वेफर वगैरह बनाने की ये मशीन ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छी बात है। और इसके अलावा ये देख लीजिए आप सामने भी प्रोडक्ट, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भी। फिर हाई लाइफ चीज़ के ये यहाँ पे हाई लाइफ चीज़ वाले हैं, तो चीज़ भी बढ़िया दिख रहा है इनका। और आगे हम चलते हैं, लेट द टाइम्स रोल, वेफर रोल यहाँ पे मिल रहे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी बढ़िया लग रही है वेफर रोल्स की। और फिर आगे हम चलते हैं जेमिनी वेफर टेक्नोलॉजी, तो ये सब वेफर वगैरह डिफरेंट टाइप के वेफर्स हैं जो सारे डिस्प्ले पे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम अब आगे मंगहारम चॉकलेट सॉल्यूशंस, तो ये डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं यहाँ पे चॉकलेट बनाने की। देखिए ये भी ऊपर से सारा चॉकलेट फ्लो होके आ रहा है, तो ऐसे चॉकलेट वगैरह बनता रहता है। और भी डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स की मशीन्स इन्होंने डिस्प्ले पे कर रखी हैं। और हम आगे चलेंगे, अभी देखेंगे इसको, तो ये भारत गोल्ड पतीसा वगैरह और बिस्कुट्स और ड्राई फ्रूट की भी जो मिठाइयाँ हैं, काजू कतली वगैरह इस टाइप की, अच्छी क्वालिटी लगाए इनकी दिखाई दे रही है। तो और हम अभी आगे चलेंगे, आगे हमारा हो गया मोफपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार के भी कुछ स्टॉल यहाँ पे लगे हुए, अचार वगैरह यहाँ पे मिक्स अचार वगैरह वो सब डिस्प्ले पे है, वो चाहें तो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। और इससे आगे हम चले गए वेजले क्वालिटी वेजिटेरियन फूड, तो ये वेजिटेरियन फूड है यहाँ पे ना, तो दिखने में तो लग रहा है नॉन वेज है लेकिन है ये सारा वेज। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये सारी खिला भी रहे हैं साथ साथ, आपको बना के दिखा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। तो भाई साहब ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत नहीं, इधर लंच लाने की ज़रूरत नहीं, इधर अपना पेट भर जाएगा आपका। और वेजांता, ये भी प्लांट बेस्ड फूड यहाँ पे बताया है वेजांता में, तो प्लांट बेस्ड फूड
ज़्यादातर तो प्लांट बेस ही होता है वैसे हमारा फूड इंडिया में तो खासकर। और अभी ये हम आ गए हैं वाइट कब है, फिर के एस फूड्स के ऊपर भी मापा टोफू और बहुत डिफरेंट टाइप के नए नए फूड्स यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गए हैं जो हो सकता है आपने देखे ही ना हो। कभी खाने की तो बात हो रहा है, चिल्ला मिक्स है यहाँ पे और ये अपना टेस्टी प्लांट बेस्ड, तो प्लांट बेस्ड फीड थोड़ा थीम है इनका यहाँ प्लांट बेस्ड फूड का, तो वो सारे यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं आपकी, तो ज़रूर इनसे हम कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहेंगे। इतने अच्छे स्टॉल्स हैं यहाँ पे और आपको भी अच्छा लगेगा। और ये सारा हमारा एलमंड ऑयल वगैरह यहाँ पे है, मस्टा प्योरे, और ये क्रिस्टी सुपर फूड्स है यहाँ पे, तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे स्पाइसी गार्लिक्स, तो ये सब स्नैक्स हैं, आप ड्रिंक्स के साथ ले सकते हैं इनको, और मूसली वगैरह ये सब है यहाँ पे। प्रीमियम माल्टिंग्स, तो ये माल्टिंग्स वगैरह इधर, तो चल रही है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारे इसे हलानी फूड्स, तो ये कुकीज़ वगैरह हैं, एलमंड कुकीज़ हैं, और यहाँ पे अपने ऑयल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के ऑयल हैं, सोया सॉस है, फिर ये ओरियन का स्टॉल आ गया हमारा, के स्नैक्स रिंग्स वगैरह, तो ये चोको पाई है, तो ओरियन की ये चोको पाई है। और यहाँ पे हम आ गए त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस का स्टॉल है, तो ये भी सारे डिफरेंट टाइप के फूड आइटम, आप कितने भाई साहब झोले भर ले जाओ यहाँ से, कितने रोज़ पेटल्स, तो ये जेन्युइन रिसर्च जूस वगैरह सबको पिला रहे हैं भाई साहब, मौज कर रखे इन्होंने इधर तो सबकी भाई। यहाँ मदर्स रेसिपी, तो मदर्स मामा जर सुना था, अब ये मदर्स रेसिपी भी सुन लिया, ठीक है भाई साहब बढ़िया है। इनके भी सॉसेस वगैरह हैं और ये डिफरेंट टाइप के मैंगो पन्ना वगैरह, और अब यहाँ पे ये कॉफ़ी की है सारी, कैफे बिरारियो, तो अच्छे स्टाइलिश नाम रखे हुए यहाँ पे इन्होंने सारे। और अभी दीपक, हाँ, ठीक है, तो अभी हम इधर आ गए हैं, इधर सामने ये क्रीमी डिलाइट का स्टॉल है हमारे सामने, फिर सेवर इंडिया का स्टॉल आ गया हमारे सामने, तो ये भी पॉपकॉर्न्स हैं, डिफरेंट टाइप के पॉपकॉर्न्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये बनाते हैं मशीन भी, ये सारी मशीन बनाते हैं। और तो टोमेटो केचप वगैरह का ये न्यूट्रियो सारे जूसेस टाइप के हैं, जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं, लीची का जूस है और कोई पाइनएप्पल का जूस है, तो किसी भी चीज़ के जूस हैं यहाँ पे। तो आइए, कब बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले इन्होंने कर रखा है, इनवाइट कर रहे हैं हमारे को अंदर आने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी पूरी दीवारी, जैसे चीन की दीवार होती ना ऐसी इन्होंने पूरी दीवारी बना दी है भाई साहब, ज़बरदस्त काम कर रखा है। सारे ग्लासेस पे इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये आप इस तरह के प्रोडक्ट्स। हेलो सर, कहाँ पे आपका यूनिट सर? ये हम लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे अपने ब्रांड से, हम लोग वियतनाम से, बांग्लादेश से, अलग अलग कंट्री से बनवा के इंडिया में सेल करते हैं। क्या स्पेशलाइजेशन है सर इनके अंदर? स्पेशलाइजेशन ये है कि जैसे अगर हमारा कोकोनट वाटर है तो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, कोई भी एडिटिव्स, कोई शुगर कुछ नहीं ऐड किया गया है। इम्पोर्ट होने के बावजूद 250 ml में सिर्फ 60 rupees का प्रोडक्ट है, जबकि लोग प्लास्टिक बॉटल में 50 rupees में कैसा कोकोनट वाटर बेचते हैं। इसी टाइप के हमारे ये जो जूसेस हैं, फ्रूटी का जूसेस 40 rupees में आपको विदाउट प्रिजर्वेटिव्स एल्युमिनियम कैन में इंपोर्टेड जूस, तो ये बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमने यहाँ लॉन्च किए हैं जो कि आप अब पूरे इंडिया में कहीं पे भी मिल सकता है। ओके सर, गुड सर, थैंक यू सर। तो ये काफ़ी अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट्स इनके हमारे को लगे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखने के लिए स्टॉल्स आपको दिखाते हैं, तो ऐसे ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको दिखाएंगे। तो इधर वेजी चैम्प, तो ये डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल में क्या क्या चीज़ बना सकते हैं वो सब यहाँ पे दिखाए हुए हैं। मीरा रेडी मिक्सेस कुक इन मिनट्स, मतलब ये रेडीमेड है, आप बना सकते हैं इसको फटाक से डाल के 5 मिनट में आप रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये भी स्नैक्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, हैप्पी स्नैकिंग के नाम से इन्होंने लिखा है कॉर्निटो, तो सब आइडिया आप लेते जाइए यहाँ से।
और शुरू किए कोई भी नया बिजनेस। अभी अभी यहाँ पे चाइनीज़ बफेज और ये पान पूरी मतलब रेडीमेड सारी चीज़ें हैं इनके पास ये करने के लिए। यहाँ पे कन्फेक्ट के नाम से ये शुगर पेस्ट और डिफरेंट टाइप की, और ये देख लीजिए सामने डिफरेंट टाइप के फ्लोर्स वगैरह अवेलेबल है। इंडियंस फ्रोजन एंड रेडी टू ईट फूड्स, तो ये फ्रोजन वगैरह का है, रेडी टू ईट फूड्स हैं यहाँ पे, ये आप ले सकते हैं यहाँ से और उनको 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं खाने के लिए। डिफरेंट टाइप के पाउचेस वगैरह का ये पूरा शोरूम है इनका, ड्यूरोपैक लिमिटेड। तो अगर आपके पाउच लें ड्यूरोपैक लिमिटेड से आप कॉन्टैक्ट करें। ये जिंदल कोकोआ है, तो कोकोआ की ये सिरप है हमारे, चॉकलेट सिरप या और अन्य तरह के जितने भी सिरप हमारे होते हैं चॉकलेट से रिलेटेड, या चॉकलेट का पाउडर या चॉकलेट, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सिलोफे प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ पे भी सारे बोकोसिनी ओवोलिनी प्रोसेस चीज़, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं इनके। ये पोदार के हम स्टॉल पे आ गए हैं, ये पोदार होल स्पाइसेस, स्पाइस पाउडर्स, स्पाइस ब्लेंड्स वगैरह, तो ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इधर सुपर नाचोज वगैरह का ये स्टॉल आ गया है, मैकिनो, फिर आशीष मसाले हैं, तो मसालों का बहुत अच्छा काम है। आप सोच सकते हैं इस काम को स्टार्ट करने के लिए, केरला से तमिलनाडु से आप मसाले खरीद के यहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग करके सेल कर सकते हैं। फिर इंस्टा हॉट मील्स हैं, ये भी सारे रेडीमेड करने के लिए, मेरिन हाइड्रोक्लोराइड्स द परफेक्ट इजर मैरियन। तो ये देखिए इधर साथ में थियोकोर, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को ही पता होंगी, हमें नहीं पता ये क्या काम आती हैं, तो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बाकी इधर सारी चीज़ें। आइए अभी थोड़े इधर स्टॉल्स में चलते हैं हम लोग। तो एलिमेंट्स है एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए यहाँ पे चॉकलेट केक वगैरह सारे बनाने की है, सारा चॉकलेट का केक तैयार हो रहा है। तो मयंक गोल्ड वगैरह आप ये है, और ये देखो जी LCI, तो ये भी रेडीमेड जूस वगैरह बनाने का स्टॉल्स हैं के पास। तो और आगे चलते हैं अभी देखते हैं। आगे चलते रहेंगे हम सखी शुभम स्टोरीज, और ये आइसक्रीम वगैरह बनाने के, केक वगैरह बनाने के ये सारे हैं। इधर फिर से RL मसाला का स्टॉल आ गया है, काफ़ी भीड़ है अभी, हालांकि 6 बजने वाले हैं, क्लोजिंग टाइम होने वाला है, फिर भी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे स्टॉल्स के ऊपर, और कुछ कुछ ऊंचा नीचा भी है यहाँ, और टेप्स भी नहीं लगाई हुई इन लोगों ने। और ये सारे छोला मसाला वगैरह ये सारे, और डिफरेंट टाइप की कटलरी नहीं सॉरी ये भी अब डिफरेंट टाइप की नमकीन और स्नैक्स सारे डिस्प्ले पे हैं यहाँ पे। प्राइड पेट ये कुछ सीलिंग वगैरह प्लास्टिक की बोतलों के लिए सीलिंग वगैरह मशीन्स हैं यहाँ पे, और थ्री पीक्स ऑफ हिमालयाज, तो ये भी सारी जूसेस वगैरह हैं इधर। ओह डेली, तो ये सारे अपने चिकन वगैरह के लिए इन्होंने डिस्प्ले कर रखी हैं चीज़ें। और प्लैनेट लिपिड्स, तो इसमें डिफरेंट टाइप की ये देखिए प्लैनेट लिपिड्स का ये स्टॉल हमने देख लिया है। उसके बाद अभी हम और आगे चलेंगे, यहाँ पे अब आ गए बीकाजी के स्टॉल पे आ गए हैं। अमिताभ बच्चन की फ़ोटो लगा रखी है भाई साहब, तो सारी दाल नमकीन दाल वगैरह जो भी आप ड्रिंक्स के साथ लेते हैं वो सारी यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा इधर पारस मिल्क है, पारस के मिठाई भी है, सोन पापड़ी भी है, घी भी है, तेल भी है, मतलब सारी चीज़ें। एक ड्रेस कोड दे रखा है लड़कियों को ग्रीन कलर का। फिर हम चलते हैं आगे गोल्डी ग्रुप है भाई हम यहाँ पे, तो ये गोल्डी ग्रुप है, तो यहाँ भी सारा छोले मसाला, चाट मसाला, तो मतलब ये गोल्डी के सारे मसाले हैं डिफरेंट टाइप के,
जो आप यहाँ आहार में देख सकते हैं। इसके अलावा ये सारे डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स टाइप हैं, कंपाउंड्स, डेकोरेशन, इंक्लूजन्स, तो ये हैं चीज़ें। फिर इधर अभी आ जाते हैं हमें, इधर आरटीसी फूड्स है, आरटीसी फूड्स, तो ये भी मामला करी इस टाइप के हैं यहाँ पे स्टॉल्स। और कैरमिन एक्सट्रैक्ट्स हैं, स्पाइस बोर्ड है यहाँ पे, स्पाइस बोर्ड इंडिया का भी स्टॉल है इधर, और हिंद एग्रो सेल्स, जियोन इंटरनेशनल, आगे अभी हम आगे जियोन इंटरनेशनल के स्टॉल पे। अभी ये जियोन का स्टॉल है, यहाँ भी सारी पेस्ट्री के आइटम्स अवेलेबल हैं, सीख कबाब वगैरह, ये सब न्यूट्रिच न्यूट्रिच का स्टॉल है इधर। तो रेडी है, रेडी फ्रिज में रखो, बाहर निकालो और 5 मिनट में आप सर्व कर दो। और ये भी है पारामेड ईट्स, तो कहते हैं कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। ठीक है जी, ये भी बढ़िया स्टॉल है, इजी ऑन पॉकेट भी है बता रहे हैं। फिर वेंटोटा, वेंटोटा है ग्लोबल इंग्रेडिएंट्स हैं ये, फूड के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो सब ये प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके अलावा फार्म किंग फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो फूड के काफ़ी कंजम्पशन है, अचार वगैरह हैं यहाँ पे सारे, गोल्डन क्राउन के अचार है, जिंजर गार्लिक है, मतलब लिमिट ही नहीं है आप, मतलब हज़ारों तरह के प्रोडक्ट्स हैं अगर फूड लाइन में आप आते हैं ना। चॉकलेट के सिरप हैं, कस्टर्ड पाउडर है, होजिन सॉसेज हैं, 50 तरह की तो सॉसेज हैं, तो मतलब कोई सेचुरेशन हो ही नहीं सकती। खाकरा है, थेपला का आटा है, थेपला भी है यहाँ पे, तो आप थक जाओगे, आप कितनी रेंज बना लो, आपका माल बिकना ही बिकना है फूड में। तो जो भी नया बिजनेस करना चाहता हो तो इस फूड बिजनेस में ज़रूर आ सकता है वो। मुसेली का यहाँ पे स्टॉल है, ये बंसल ग्रुप का स्टॉल है, ये भी इसी तरह से कोई अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं खाने की इन्होंने, सीड्स वगैरह जो होते हैं। और फिर अर्थसंस डिलीजेंस, इसके अलावा फ्यूजन फूड्स है हमारे, डिफरेंट टाइप के सौंफ सूंफ रखी हुई है, ग्रैंड मा रेसिपी, तो इनोवेटिव स्नैक्स है, इसके अलावा फार्म ले है, और ये मतलब सब तरह के हमारे को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और अभी प्रिया गोल्ड बिस्कुट है जी, 500 तरह के इन्होंने बिस्कुट बना रखे हैं, तो मतलब इस लाइन में आप आ जाओ भाई साहब, वैरायटी वैरायटी है, आप कितना ही बना सकते हो। और आप अभी यहाँ पे, और ये हमारे टिन में सारी चीज़ें, मशरूम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी हैं। एंड सन्स का स्टॉल है यहाँ पे, तो ये भी हाई प्रोटीन बेवरेजेस हैं, योगर्ट्स वगैरह ये सब ये बनाते हैं ये, तो इसका स्टॉल है। तो 6 हॉल्स में ये पूरी वैली हुई है, 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। और ये भी देखिए आप, डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स हैं यहाँ पे, काजू भी कटे हुए हैं। और अब आइए देखिए, आगे चलते हैं, इधर सामने कैमको का स्टॉल है, कहीं आइसक्रीम है, कहीं पेस्ट्रीज हैं। और ये देखिए यहाँ पे द हार्ट ऑफ अवर्स, जनरल जनरल मिल्स, तो सारे चॉकलेट वगैरह सब यहाँ पे हैं। इसके अलावा अभी हम कैमको के स्टॉल पे हम चलते हैं, अभी कैमको का ये स्टॉल है, ये भी अच्छा ब्रांड है, माना हुआ ब्रांड है ये भी, सोर बेल्ट वगैरह ये सब। तो क्रीमी मैजिक, आगे आगे हम माई बाइट क्रीमी मैजिक तो है इधर, ये भी प्रोडक्ट्स हैं इनके सारे, पाइनएप्पल चोको, अच्छी अच्छी पैकिंग्स हैं जो आप अच्छी रहेंगी, बच्चे लाइक करेंगे इसको, और प्रोडक्ट्स ही काफ़ी सेल होगी। तो देख सकते हैं इफी ब्रेक, तो इतना खाना है यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स अब एंड ऑफ द एक्सपो हो गया है, मतलब हमारा फर्स्ट डे आज 7 तारीख का, तो उसमें हमने आपको हॉल नंबर 1 से 5 दिखाया है। इसके अंदर सारे आपको फूड के आइटम्स आपको दिखे हैं कि जैसे आपने कुकिंग ऑयल्स हैं, बिस्किट्स हैं, वेफल्स हैं, आइसक्रीम कोन्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं। तो ये सब अगर आपने ये सब देखनी है या ख़रीदनी है या इस तरह की कंपनी से आपने कॉन्टैक्ट करना है तो हॉल नंबर 1 से 5 तक आप आइए। और अगर आपने इनको बनाने की अगर आपने मशीन्स ख़रीदनी है, प्लेनेटरी मिक्सर्स हैं और बिस्कुट के ओवंस हैं, बिस्कुट कटिंग मशीन है, बिस्कुट पैकिंग मशीन है, केक ब्रेड इन सब चीज़ों की जो मशीन है, अगर वो आपको लेनी तो आप हॉल नंबर 6 में जाइए। तो फार्माडोक्स कंसल्टेंट थैंक यू करता है आपको, यशदीप दिया मेरा नाम है, आपने मेरा पूरा ये वीडियो देखा और आप इससे आप काफ़ी मशीनें या प्रोडक्ट्स ख़रीदने में हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।